अगली खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से है, जहां मूंग की उपज समय पर नहीं तौलने से गुस्साए किसानों ने एनएच 45 पर जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक करीब एक घंटे तक वाहन चालक परेशान रहे। बरेली पुलिस और तहसीलदार के पहुंचने के बाद जाम खोला गया। आपको बता दें कि रायसेन जिले में मूंग की खरीदी जारी है और 31 जुलाई तक समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी जारी रहेगी, लेकिन पिछले 8 दिनों से खरीदी केंद्र पर अपनी उपज लेकर खड़े किसानों का सब्र आज उस वक्त टूट गया जब खरीदी केंद्र ने उन्हें अपनी उपज लेकर घर जाने को कह दिया। दरअसल मूंग की स्लाइड बुक 26 जुलाई तक हो चुकी है और खरीदी 31 जुलाई तक जारी रहनी है। ऐसे में जिन किसानों के पास स्लाइड बुक है, उनकी उपज भी वापस भेजी जा रही है। वह युवा नेता शुभम उपाध्याय किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए और अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर दिया। सोमवार शाम को सागर भोपाल हाईवे पर जाम हटाने के लिए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। रायसेन से नरेंद्र राय की रिपोर्ट। सर, हमारे यहाँ के 10 से 12 किसान आए हम लोग एक साथ आज से 7 दिन पहले। 7 दिन से हम लोगों की ट्राली लगी, किसी की तो तुल गई और किसी की अभी भी खड़ी है। जिनकी तुल गई उनके आधे के बिल बन गए, आधे के बिल नहीं बने। और कुछ लोगों की तुल गई है तो वेयरहाउस वाले बोल रहे हैं कि आप इसको भर के ले जाओ, उठा के ले जाओ, घर ले जाओ। अब यही बोलना था तो 8 दिन पहले बोल देते। गवर्नमेंट ने बोला कि 31 तारीख तक तुलाई होगी, आप तो ले जाओ, तुलवा लो। हम आ गए और हमारे साथ एक ट्राली में 6-6 किसान, छोटे किसान है। 4 क्विंटल किसी के पास है, किसी के पास 10 क्विंटल है, किसी के पास 20 क्विंटल है। अब एक का पंजीयन आ रहा है कि बढ़ गई डेट, एक की नहीं बढ़ी। आधी से लाइट है तो बुक नहीं कर पाए, आधी तो घर पे रखी हूँ हम लोग। और यहाँ हमने मंत्री जी को यहाँ फोन लगाया तो कहने लगे आप कहीं बात करो। ATM साहब के यहाँ फोन लगाया, कहने लगे प्रबंधक से बात करो। प्रबंधक को फोन लगाया, कहने लगे आप तो एक काम करो, किसी का जिसकी सलाह बुक हो उसका पंजीयन ढूंढ लो, उस पे चढ़वा दो और जाओ, आपका तो परेशान। यहाँ जिला राजधानी में जितने भी किसान नेता है उनकी सबकी मूंग घर से तो नहीं है, कोई बेवरास नहीं आया। कोई भी किसान नेता पदाधिकारी नाम के लिए है, सब उनने नाम ले लिया और उनकी मूंग घर से तो नहीं है। कोई भी नेता नहीं है जिसकी ट्रॉली बेवरास में खड़ी हो, अगर आई भी है तो डायरेक्ट तुली है। यहाँ सिर्फ जो छोटे मोटे हम जैसे मध्यम वर्गीय छोटे किसान है वो लाइन में 7-7 दिन 8-8 दिन से लगे हैं। ये चूंकि मैं 20 तारीख का आया हूँ, 25 तारीख मेरी आखिरी डेट थी, और 25 को मैंने मूंग तो लाई और उसका बिल नहीं बन रहा मेरा, क्योंकि डेट निकल गई इसलिए बिल नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा बिल? 5 दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ लाइन में, उसके बाद मेरी मूंग तुलवा ली गई और आप बोल रहे हैं कि वेयरहाउस से भर के घर ले जाओ, क्या इसलिए मैं यहाँ 5 दिन से खड़ा था? और नेताओं से कहो तो नेता कहते हैं आपकी समस्या है, आप देख लो।